सो फ्रेंड, आप तो फोटो का स्टॉक का वीडियो स्टेटस बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन से अपने फोटो का स्टॉक का लिरिक्स वीडियो स्टेटस कैसे बनाएंगे। इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आपको स्टॉक का वीडियो स्टेटस क्रिएट करने में कोई तरह का कठिनाई नहीं हो। तो चलिए दोस्त, आपको आज बताएंगे इस वीडियो में किस तरह से अपने फोटो का जबरदस्त लिरिक्स वीडियो स्टेटस बना सकते हो। सो फ्रेंड, यदि आपके एंड्रॉयड फ़ोन में काइन मास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम विदाउट वाटरमार्क वाला काइन मास्टर का लिंक दे दूंगा, आप वहां से इस एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्त, आप जैसे आप ज्वाइन करने के बाद ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इसका पेज खुलेगा। तो आप देख सकते हो विदाउट वाटरमार्क वाला ये काइन मास्टर हम अपने फ़ोन में ऑलरेडी पहले से लोड करके रखा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से इस काइन मास्टर को आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद ये क्रिएट टीओ वाला जो आइकन दिख रहा है दोस्त, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको ये वाला स्क्रीन सेलेक्ट करना 16:9। इसके बाद दोस्त, यहाँ नेक्स्ट वाला जो आपको आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने का सबसे पहले दोस्त आपको एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ इमेज वाला जो आपको ये आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्त आप देख सकते हो यहाँ जैसे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ काफ़ी सारा आपको बैकग्राउंड मिल जाता है। किसी एक बैकग्राउंड को दोस्त यहाँ से आपको सिलेक्ट करना, जैसे कि हमने ये वाला बैकग्राउंड को आपको एडिट करके दिखाएंगे, इस तरह से हमने इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ से दोस्त आपको कट करना है। कट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगी। तो यहाँ दोस्त आप देख सकते हो ये बैकग्राउंड का जो लेयर है, इस लेयर को आपके फिंगर की मदद से दोस्त वीडियो के अकॉर्डिंग कर लेना है। उसके बाद दोस्त, इसको स्टार्टिंग पॉइंट पे लाने के बाद दोस्त आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ जो सही मार्कर टिक दिख रहा है इस पर दोस्त आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्त आपको फिर से इस लेयर वाले ऑप्शन पे आना है। लेयर पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको मीडिया वाला जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से दोस्त उस फोटो को सिलेक्ट करना जिस फोटो का दोस्त आप यहाँ से लिरिक्स वीडियो स्टेटस आप बनाना चाहते हो। यहाँ से दोस्त चलिए किसी एक इमेज को यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्त आप देख सकते हो ये इमेज यहाँ आ चुका है। तो इसको सबसे पहले दोस्त यहाँ से क्रॉप कर लेना है। तो हाँ, यहाँ से दोस्त हम क्रॉप वाले आइकन पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद अपने हिसाब से दोस्त यहाँ से आपको अपने इमेज को क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद दोस्त यहाँ से आपको फिर इस इमेज वाले आइकन पे क्लिक करना है और इसको अपने फिगर की मदद से बड़ा कर लेना है। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से दोस्त आपको अपने फिगर की मदद से बड़ा कर लेना है। उसके बाद दोस्त यहाँ से आपको एडजस्ट कर देना है, जहाँ आप इस इमेज को बैकग्राउंड में आप लगाना चाहते हो इस तरह से दोस्त आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद दोस्त आप देख सकते हो यहाँ थ्री डॉट वाला जो आपको ये आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से एक डुप्लीकेट लेयर लेना है। डुप्लीकेट लेयर लेने के बाद दोस्त आप देख सकते हो यहाँ से डुप्लीकेट लेयर आ चुका है। उसके बाद दोस्त इस बैकग्राउंड में जो आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया इसके लेयर के अकॉर्डिंग दोस्त इस दोनों इमेज को भी दोस्त यहाँ से अपने फिकर की मदद से दोस्त यहाँ से स्लाइड कर लेना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से दोस्त हमने स्लाइड किया दोनों इमेज को। तो आप भी अपने फिंगर की मदद से दोस्त आप कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्त आपको करना कुछ नहीं है, फिर से स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर आना है और यहाँ जो डुप्लीकेट इमेज है इसको अपने फिंगर की मदद से इधर कर लेना है। उसके बाद ये फर्स्ट इमेज जो है उस लेयर पे दोस्त आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ से फिर से आपको थ्री डॉट पे आना है और यहाँ आप तीसरे नंबर में चौथे नंबर में दोस्त आप देख लो सेंड टू बैक, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्त ऑप्शन वाले यहाँ आइकन पर आने के बाद यहाँ से दोस्त यहाँ आपको ये ब्लीडिंग वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर दोस्त आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्त आप देख सकते हो आपके सामने ये स्क्रीन वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस स्क्रीन वाले ऑप्शन पे दोस्त आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्त आप देख सकते हो ये मेरा जो इमेज था ये मेरे बैक में लग चुका है। इस प्रकार से दोस्त यहाँ से फिर इसका ओपेसिटी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। इसका ओपेसिटी हम इस फोटो का 100% ओपेसिटी कर दिए, आपको जितना आप करना चाहोगे कर सकते हो। उसके बाद इस सही मार्क पे टिक करके दोस्त आपको ये दूसरा लेयर वाला जो इमेज है ये वाला इस पर दोस्त आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस इमेज के अकॉर्डिंग ले आना है दोस्त और यहाँ से दोस्त आपको करना कुछ नहीं है, इसको भी सेंड टू बैक इस थ्री डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैक पे आप दे देना है। उसके बाद दोस्त आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये इमेज मेरा सेट हो चुका है और यहाँ से दोस्त हम आपको प्ले करके दिखाएंगे कि किस तरह से ये मेरे बैकग्राउंड में ये इमेज सेट हुआ है। आप देख सकते हो अभी इस तरह से दोस्त आप यहाँ आप देख सकते हो ये प्ले हो चुका है। यहाँ से दोस्त आपको एक
वीडियो को ऐड करना होगा ग्रीन स्क्रीन में दोस्त, उसका भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ से लेयर वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से जिस फाइल या फोल्डर में आपने ग्रीन स्क्रीन वाला लिरिक्स वीडियो को डाउनलोड करके रखे हैं उस वीडियो को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि हमने इस वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट किया, आप देख सकते हो यहाँ ग्रीन स्क्रीन में दोस्त, यहाँ ये वाला जो वीडियो दिख रहा है इसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद दोस्त आपके स्क्रीन पे कुछ इस टाइप से पेज खुलेगा, इसको फुल स्क्रीन कर लेना अपने फिंगर की मदद से। उसके बाद दोस्त ऑप्शन वाले यहाँ मेन्यू में आना है और ऊपर की ओर सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रोमा की। तो आप देख सकते हो यहाँ जो ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो है इसको क्रोमा की पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इसको दोस्त आपको इनेबल करना होगा। तो यहाँ से हम इनेबल किए, इनेबल करने के बाद दोस्त आप देख सकते हो ये जो इसका ये परसेंटेज ओपेसिटी वाला ऑप्शन है इसको दोस्त यहाँ से 50% पे कर देना है। उसके बाद दोस्त यहाँ से आप देख सकते हो ये डन का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ डन के मार्क पे क्लिक करके इसको सेट कर लेना। और यहाँ से दोस्त हम आपको फिर से क्लिक करके दिखाएंगे कि किस तरह से ये मेरे वीडियो पे सेट हुआ है। सो फ्रेंड आप देख सकते हो किस तरह से ये लिरिक्स वीडियो स्टेटस मेरे इमेज पे ये सेट हो चुका है। उसके बाद दोस्त इसके लेयर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो यहाँ जो इस वीडियो का लेयर है इसके अकॉर्डिंग दोस्त अपने इमेज को भी यहाँ बराबर कर लेना है। उसके बाद दोस्त आपको करना कुछ नहीं है, ऊपर में जो आपको ये फालतू का बैकग्राउंड है यहाँ से दोस्त आपको इसको कट कर देना है। इस बैकग्राउंड पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद दोस्त आप देख सकते हो यहाँ जो कैंची वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है कि इस कैंची वाले ऑप्शन पे दबा के सेकंड नंबर पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये बाकी का हिस्सा आप देख सकते हो यहाँ से कट हो चुका है। उसके बाद इस सही मार्क पे दोस्त आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्त इस वीडियो को अपने फ़ोन में एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ जो ये वाला एरो देख रहे हो इसको यहाँ आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगी। तो यहाँ जिस क्वालिटी में आप इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो क्वालिटी यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ये सेव वाला जो आपको आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। और आप देख सकते हो दोस्त ये वीडियो आपके फ़ोन में एक्सपोर्ट होना चालू हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्त अपने फोटो का आप काइन मास्टर के थ्रू दोस्त एक ज़बरदस्त वीडियो स्टेटस आप बना सकते हो। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर के बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाकर ऑन कर लीजिए ताकि मैं अपने चैनल पर इस टाइप का लेटेस्ट वीडियो लाता रहता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्त इस वीडियो को हम आपको एक्सपोर्ट होने के बाद प्ले करके दिखाएंगे। फ्रेंड आप देख सकते हो ये वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है और आपके बीच दोस्त हम प्ले करके भी दिखा दिए हैं। इस प्रकार का वीडियो बनाने के लिए दोस्त इस वीडियो को लास्ट तक देख के दोस्त इस प्रकार का आप भी अपने फोटो का जबरदस्त वीडियो स्टेटस बना सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए दोस्त यहीं तक, तब तक के लिए दोस्त।